गुड मॉर्निंग। दिन अच्छा आप लोगों का? मन लग रहा है पढ़ने में? चलिए अच्छी बात है, अगर लग रहा है तो वेरी गुड। तो हम आपको आज शुरू करते हैं पॉलीनोमियल 2.4। 2.2 में हमने आपको अल्फा बीटा वैल्यू बताई थी क्वाड्रेटिक की। 2.1 तो द इजीएस्ट एक्सरसाइज थे, 3 मिनट में खत्म कर दिया था हमने। 2.3 में हमने आपको बताया था हाउ टू डिवाइड द पॉलीनोमियल, कैसे डिविजन करते हैं, एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं उसको। आज हम आपको बताएंगे अल्फा बीटा एंड गामा वैल्यू फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में जान लेते हैं। क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसे होते हैं तो हम जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी फॉर्मेट कैसी होती है क्यूबिक पॉलीनोमियल की। ठीक, तो इसकी फॉर्मेट होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो। हम कोशिश करेंगे हमेशा जब भी अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले क्वाड्रेटिक के लिए या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाले क्यूबिक के लिए, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो क्यूब वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है, उसे हम फ्री फ्रॉम कोएफिशिएंट, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना रहे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ए। ए को हम हटाने की कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए इज जीरो अपॉन ए। सब में ए से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए और ए कट गए तो क्या बचेंगे हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए और जीरो अपॉन वन इज जीरो अपॉन ए इज जीरो। तो ये हमारी एक तरह से डायरेक्टली फॉर्मेट आ गए, दैट इज फ्री फ्रॉम कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब जो है कोएफिशिएंट से फ्री फ्रॉम है। अब मान लो कोई भी एक इक्वेशन को हम समझाते हैं, इसे गौर से समझना। किसी किसी बच्चों को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में भी प्रॉब्लम हुई थी तो जिसमें उन्होंने बताया था कि सर क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 2x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1, इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे देन वी विल गेट x प्लस 1 और इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 दैट इज 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ये जो इक्वेशन मिले इसे हम अगर मल्टीप्लाई करते तो फिर से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, कोई डाउट है इसमें? यानी अगर इस इक्वेशन की जो भी वैल्यू होगी उससे जो आंसर होगा उसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें वही इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास तो वैल्यू थी 2, 3x ऐसे कुछ थी, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि x की एक वैल्यू क्या है अल्फा, दूसरी वैल्यू क्या है बीटा और तीसरी वैल्यू क्या है गामा। हमने मान लिया कि द इक्वेशन ऑफ दिस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो आंसर है वो x बराबर अल्फा है, x बराबर बीटा है और x बराबर गामा है। क्योंकि ए बी सी डी दिए गए हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं कर सकते तो हमने उसे अल्फा बीटा गामा कर दिया। अब हम इसे इधर करेंगे तो क्या पाएंगे हम, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, कोई डाउट है? अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट वे में यही इक्वेशन मिलेगी जो हम अभी तक मानते आए थे, हमने दिखाया था आपको यहाँ पे। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स को पहले इन दोनों से करते हैं, बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, यहां तक कोई डाउट? और हमारे पास बच गया एक्स माइनस गामा। अब यहां से हम इसे मल्टीप्लाई करते तो एक्स से सारे टर्म को तो एक्स क्यू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, अब माइनस गामा को करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स और प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा। यहां तक कोई डाउट है? मल्टीप्लीकेशन तो आते हैं सबको आप लोगों को। अब देखिए एक्स क्यूब अकेला है लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, ये है एक्स स्क्वायर ये है और ये है, तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। अब एक्स वाले टर्म एक दो तीन और तीनों का आगे प्लस साइन
तो प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स, और जो बच गए लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा। कोई डाउट है? सारे टर्म लिख लिए, ये तीनों लिख दिए, ये तीनों लिख दिया और ये लिख दिए। अब एक्स क्यूब अकेला है, इन तीनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ब्रैकेट आउटसाइड एक्स स्क्वायर। इन तीनों में से प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो कॉमन लेके हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा और आउटसाइड द ब्रैकेट माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो देखिए एक्स क्यूब यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी का सोल्यूशन हमने इसे माना था और मल्टीप्लाई करके हमें फिर से वही इक्वेशन मिलते हैं। वेरी गुड, तो यहां पे क्या है हमारे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू यहां पे क्या है बी अपॉन ए, क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। तो देखिए इस माइनस को उधर ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए। तो लास्ट टाइम हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन मिली थी, इस टाइम हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए मिले। तीसरा एक्स वाले टर्म ये है और ये है, इसमें क्या है हमारे पास प्लस के साथ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज यहां पे क्या है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज सी अपॉन ए। अब लास्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस अल्फा बीटा गामा इज हियर इट इज बी अपॉन ए विद प्लस साइन, इस माइनस को उधर ले जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा इज माइनस बी अपॉन ए। बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? तो हमने अल्फा बीटा गामा वैल्यू भी निकाल ली और उसके रिलेशंस भी बता दिए क्या होंगे। ठीक, तो एक इक्वेशन एक हमारे पास ये बनी, एक ये बनी और एक एक बनी। ठीक, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन, उससे पहले आप ये इक्वेशन और ये तीनों चीजें ध्यान में रख लो, इस तीनों चीजों को ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब इन तीनों चीजों को हम साइड में लिख देते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इन तीनों चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। इसे आप समझ गए होंगे अच्छे से, हमने कोशिश किया है, आप इसे नोट डाउन कर लो पॉज करके अगर आपको दिक्कत होता है तो। अब हम दिख रहा होगा आपको बोर्ड, पॉज कर लो नोट डाउन कर लो। अब ये तीन पार्ट को हम इस साइड में लिख देते हैं और तब जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमने पाया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी अपॉन ए। कोई डाउट? और इक्वेशन क्या पाई हमने, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज जीरो। ये हमने क्या पाई, क्यूबिक इक्वेशन, और ये हमने क्या पाई को रिलेशन बिटवीन दी अल्फा बीटा एंड गामा दैट इज जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। अब बी हमारे किसकी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर की, हमने जो इक्वेशन लिखा था। सी किसकी कोएफिशिएंट थी, एक्स की। बी किसकी कोएफिशिएंट थी, कांस्टेंट टर्म की। और ए किसकी कोएफिशिएंट थी, एक्स क्यूब की। तो ये सारे किसकी किसकी कोएफिशिएंट है वो हमने ऑलरेडी इक्वेशन में पहले लिखा था, उसे आप कोरिलेट कर सकते हो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो हमने आपको अल्फा बीटा एंड गामा वैल्यू फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब चीजें हमने बताई, लिख दी हुई है साइड में। अब बी किसकी कोएफिशिएंट होती है, एक्स स्क्वायर की। ए किसकी होती है, एक्स क्यूब की। सी किसकी होती है, एक्स की। और डी कॉन्स्टेंट टर्म, ये सब तो जानते हैं। अब इसमें कहता है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर द देयर जीरोस। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो साइड में तीन दिए गए हैं ये इसके तीन आंसर्स हैं, जीरोस हैं। ऑल्सो वेरीफाइड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट इन ईच केस, जो हमने 2.2 में किया था सेम चीज हमें करना है। उसमें हमें जीरोस पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना होता था, यहां ऑलरेडी दे दिया गया। तो पहले में हम मान लेते हैं पहला क्वेश्चन में कि हमारे पास अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2, जो दिए गए थे ये 1/2।
ये वन और ये माइनस टू, पहला क्वेश्चन का। तो पहला हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होती है, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन प्लस माइनस टू अपॉन वन। अब इसे सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन माइनस टू अपॉन वन, एलसीएम लेते हैं टू वन प्लस टू माइनस फोर, देख रहे हो एलसीएम आती है आपको, ये कितने हो गए थ्री माइनस फोर अपॉन टू दैट इज माइनस वन अपॉन टू, कोई डाउट। और अल्फा प्लस ये हो गई अकॉर्डिंग टू द गिवेन रिजल्ट, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, और बी किसकी कोफिशियंट होती है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है वन और इसके आगे माइनस, माइनस वन अपॉन ए क्या है टू, दोनों सेम है, कोई डाउट है, अच्छे से समझ पा रहे हो आप। ठीक, ये वाले पार्ट डिलीट करते हैं क्योंकि ये हमने इसलिए लिखा था ताकि ये बता सके आपको कि ए किसकी कोफिशियंट है, बी किसकी है, सी किसकी और डी किसकी। ठीक, अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने दोनों तरफ से वेरीफाई कर लिया, इधर भी वन बाई टू इधर भी वन बाई टू। अब दूसरा हमें निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, पहले हम अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा वन अपॉन टू इंटू वन प्लस बीटा वन इंटू गामा माइनस टू प्लस अल्फा वन अपॉन टू इंटू गामा माइनस टू, कोई डाउट है। अब ये टू और ये टू कट गए, यहां क्या हो गई वन अपॉन टू प्लस माइनस, माइनस टू और प्लस माइनस माइनस वन, माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, तो वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन वन, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी टू वन माइनस थ्री टू जा सिक्स दैट इज माइनस फाइव अपॉन टू, कोई डाउट है यहां तक। और अल्फा प्लस अल्फा बीटा ये हमने किसके अकॉर्डिंग निकाला, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट, और इसके बराबर होती क्या है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, किसकी कोफिशियंट होती है सी, एक्स की, क्योंकि एक्स क्यूब की कोफिशियंट ए, एक्स स्क्वायर की भी और एक्स की सी, तो एक्स की कोफिशियंट क्या माइनस फाइव अपॉन ए क्या है टू, वेरीफाई कर लिया हमने, देख रहे हो आप माइनस फाइव अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक, इसे नोट डाउन किया होगा आपने। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट वन अपॉन टू वन एंड माइनस टू, मल्टीप्लाई है तीनों, ये टू से टू कट गया तो क्या बचा माइनस वन, और अल्फा बीटा गामा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होती है माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है हमारे पास टू, डी क्या है टू और माइनस, माइनस टू अपॉन ए क्या है टू, टू टू कैंसिल दैट इज माइनस वन, वेरीफाई हो गया, देख रहा हूं। तो पहला पार्ट हमने ये किया, दूसरा पार्ट हमने ये सारे किए और तीसरा पार्ट हमने ये किए, समझ में आए या नहीं आए, अगर समझ में, अब आते हैं हम फिर दूसरा क्वेश्चन पे, पहला हो गया सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक, अब हम सेकेंड पार्ट में ये मान लेते हैं, अब इसमें भी सेम उसी तरह फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, अब इसके सेकेंड पार्ट में मान लेते हैं अल्फा हमारे पास टू है, बीटा हमारे पास वन है और गामा हमारे पास वन है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज टू प्लस वन दैट इज टू वन थ्री वन फोर, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस बी माइनस ऑफ माइनस फोर अपॉन ए इज वन दैट इज प्लस फोर, देख रहे हो बी इसी कोफिशियंट है। अब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट अल्फा बीटा टू इंटू वन प्लस बीटा गामा वन इंटू वन प्लस अल्फा गामा टू इंटू वन दैट इज टू प्लस वन प्लस टू दैट इज टू टू फोर वन फाइव, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होती है ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए दैट इज सी क्या है हमारे पास फाइव अपॉन सी ए है अपॉन ए क्या है वन दैट इज फाइव, दोनों सेम है। अब हमारे पास है अल्फा बीटा गामा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट टू इंटू वन इंटू वन दैट इज टू, और अल्फा बीटा गामा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है हमारे पास माइनस टू
और माइनस ये माइनस डी का और ये माइनस टू उसका अपॉन ए इज वन दैट इज माइनस माइनस प्लस टू वेरीफाइड हो गए। तो इस तरह जैसे हमने 2.2 में वेरीफाइड किया था उसी तरह 2.4 में भी वेरीफाइड कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल विद सम सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये सम है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या है टू। दूसरे पहले में सम तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज टू। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज माइनस सेवन। एंड थर्ड वन एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा बीटा गामा इज माइनस 14। ये गिवन है हमें हमें कहता है इसमें क्यूबिक पॉलीनोमियल लिखे। तो हमने ऑलरेडी आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला लिख के रखा है बताया था। फॉर्मूला क्या है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये है हमारे पास। तो एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास टू। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस सेवन एक्स माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 14 इज जीरो। अब एक्स क्यूब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्वायर इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14 इज जीरो। यही हमारी क्यूबिक पॉलीनोमियल है। कोई डाउट है अब आते हैं समझ गए। जैसे सेकंड में किया था 2.2 एक्सरसाइज में क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए थे पुट किया निकाला उसी तरह इसमें क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है। क्यूबिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने आपको डिक्टेट किया है शुरू में ही इसलिए डिक्टेट करके इन तीनों पार्ट को हमने साइड में लिख के रखा है ताकि आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल दिस इज दिस दिस एंड दिस फाइंड ए एंड बी। यानी इसमें क्या दिया गया कि कोई एक पॉलीनोमियल है जिसकी एक जीरो ये है एक आंसर फैक्टर ये है आंसर फैक्टर जो बोलो एक तीन ये है यानी अल्फा बराबर है हमारे पास ए माइनस बी बीटा बराबर है हमारे पास ए और गामा बराबर है हमारे पास ए प्लस बी और ये पॉलीनोमियल भी दी गई है इसी पॉलीनोमियल का ये कुछ आंसर है। तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट ए माइनस बी इंटू ए एंड ए प्लस बी और ये हो गए। यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए। कोई डाउट यहां तक। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होती है माइनस बी अपॉन ए और बी क्या है हमारे पास यहां माइनस थ्री यानी माइनस ऑफ माइनस थ्री और ए क्या है वन दैट इज थ्री। कोई डाउट। अब इस दोनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज थ्री। कोई डाउट है यहां तक। सेम इसी इक्वेशन के हैं। अब हमें निकालना इससे हमें कुछ पता नहीं चला। अब हम कोशिश करते हैं आगे करने की। तो अल्फा बीटा गामा क्या होती है सॉरी बाय मिस्टेक हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया ये प्लस थे सॉरी हमने बाय मिस्टेक यहां पे प्लस साइन देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना बाय मिस्टेक हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करोगे ठीक इसे इरेज कर लोगे। फिर से यहां से ये अल्फा की जगह क्या हमारे पास सब चीज सही था बस बीच में हमने मल्टीप्लीकेशन दे दिया था ए प्लस बी फिर बीच में प्लस साइन है ना हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था। बीटा क्या है हमारे पास ए और प्लस है फिर गामा क्या है ए प्लस बी सॉरी जो 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 शुरू से यहां से समझ लेना आप कि अल्फा ये है बीटा ये है गामा ये है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी ठीक शुरू से आप समझ लो वहां पर हमने बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा क्या है हमारे पास ए माइनस बी बीटा क्या है ए और गामा क्या है ए प्लस बी इसे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी तो ये बी और बी कट जाएंगे दैट इज थ्री ए ठीक वो हमने बाय मिस्टेक गलती कर दी थी फिर से समझाते उसे यहां से शुरू करोगे वो पार्ट को छोड़ दोगे और बाकी की सब सही है। थर्ड का ये पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया था बस यहाँ पे प्लस है ठीक सॉरी फॉर दैट। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होती है हमारे पास फॉर्मूला माइनस बी अपॉन
ए माइनस बी क्या है हमारे पास माइनस ऑफ माइनस थ्री अपॉन ए क्या है हमारे पास वन दैट इज थ्री। अब यहां पे हमारे पास क्या है थ्री ए इज इक्वल टू थ्री क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी ये है तो बराबर होंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास वन कोई डाउट है। अब ए की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस डी अपॉन ए ठीक तो अल्फा बीटा गामा इज डी इज व्हाट वन तो माइनस वन अपॉन ए भी क्या है वन दैट इज माइनस वन और अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी जो हमने पिछली बार में बाय मिस्टेक निकाल दी थी यहां पे वो निकाल दी थी जो यहां पे आते ठीक। अब बोलो कि सर ये वाली पार्ट आपने क्यों कवर नहीं किया तो ये लंबा हो जाता और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इतना मल्टीप्लाई करना अगर हमें यही दोनों की मदद से ए बी की वैल्यू आ जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है तो यहां से हमें क्या मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। अब ये और ये दोनों किसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो यहां से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस वन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी अभी वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट वन इज माइनस वन यानी वन स्क्वायर ये वन खत्म हो जाएंगे तो वन माइनस बी स्क्वायर इज माइनस वन। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी माइनस बी स्क्वायर इज माइनस वन माइनस वन उसको अगर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर इज माइनस टू बी टू माइनस माइनस कट गए तो बी स्क्वायर इज अंडर टू तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू यानी ए की वैल्यू हमारे पास आई वन और बी की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस अंडर रूट टू। अब देखो इस वीडियो को हम कट नहीं करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है इसलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आप इसे कंसीडर कर लेना सॉरी फॉर दैट। अब हम इस पूरे वीडियो को कट करेंगे तो मजा नहीं आएगा हमें भी बहुत मेहनत लग जाएगी दोबारा बार थे दूसरी बार तो इसलिए आप यहां से समझ गए हैं कि ए की वैल्यू आ गई वन और बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट टू ये सारी चीजें आपको दिख रही है नोट डाउन कर लो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है जो पिछली बार किया हमने उसे बाय मिस्टेक सॉरी फॉर दैट आपको कंफ्यूज नहीं करना था हमें बस थोड़ी सी बाय मिस्टेक कर दी हमने आप प्लस की जगह प्लस में डालकर ये वाली चीज कर दी थी मल्टीप्लीकेशन ठीक तो आप इसे इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है इफ टू जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल दिस आर दिस इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2.3 में आपको बताया एंड सॉरी फॉर दैट लास्ट क्वेश्चन में जो हमने मिस्टेक की है उसको आप फिर से देख लेना फिर से हमने उसे सही कर दिया है पूरी तरह से थोड़ी सी मिस्टेक है वो प्लस नहीं डाला था हमसे हमने ठीक पढ़ेंगे हम तो मन से पढ़ना पड़ेगा मन से चलिए कोई नहीं तो कहता है 2.3 में हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या कहता है कि जब भी दो जीरोज दिए जाए और इसकी कितनी जीरोज होगी कितने आंसर होंगे फोर्थ रूट है चार है इसकी फोर्थ इक्वेशन है तो इसकी आंसर कितना होंगे चार क्यूबिक होती तो तीन क्वाड्रेटिक होती तो दो लीनियर होती तो एक तो दो आंसर दिए गए एक आंसर एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और दूसरा आंसर एक्स इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री। तो हमने आपको पहले ही 2.3 में बताया किसी एक को लेकर चलते हम आपको दोनों को लेकर चलेंगे देखो सेम इससे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं पॉलीनोमियल तो इस टू को इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगी हमें x माइनस टू होल स्क्वायर इज रूट थ्री होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी इज थ्री दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इज थ्री दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री इज जीरो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज ये इक्वेशन मिल गया। अच्छा हम इसे भी आप करोगे इसे करके फिर हम इरेज कर देंगे सेम आएगा इसको इधर करेंगे तो x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो क्या होगी x माइनस टू होल स्क्वायर इज माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर दैट इज x माइनस टू होल स्क्वायर इज माइनस ऑल्सो बिकम प्लस सेम चीज आ जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने आपको ऑलरेडी 2.3 में डिक्टेट किया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि किसी भी पॉलीनोमियल के दो आंसर दिए गए हो बचे हुए दो निकालना हो तो किसी भी एक को लेकर एक हम इक्वेशन बनाते हैं या दोनों में से किसी को भी लोगे तो सेम इक्वेशन बनती है ऐसे क्वेश्चन आते हैं उससे। अब जो ये समझ में आ गई क्यों सेम आते हैं
अब जो भी इक्वेशन हम बना पाते हैं पॉलिनोमियल का, उससे हम क्या करते हैं, जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसके आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल से इसे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। 4.3 में इस तरह के क्वेश्चन हमने, सॉरी 2.3 में इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था, एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स फोर है, डिवीजन कैसे करते हैं ऑलरेडी हमने डिक्टेट किया बहुत अच्छे तरीके से 2.3 में, जैसे जल्दी बना लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर देंगे तो एक्स फोर माइनस 4x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, इट विल बिकम माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब यहां माइनस 2x क्यूब है तो माइनस 2x से देंगे तो क्या आएगी, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल, ये माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब यहां x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, यानी माइनस 35 से देंगे तो क्या आएगी, माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 फोर जा 140x प्लस माइनस माइनस 35, दैट इज प्लस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दैट इज जीरो। अब हमने बताया था डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, माइनस 7 प्लस 5 इज माइनस 2 और 7 5 जा 35, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, दैट इज x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इज 0, यानी x की एक वैल्यू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 5, यानी दो x की क्या वैल्यू है 7 और माइनस 5, तो अदर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 7 एंड माइनस 5 एंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 प्लस माइनस रूट 3 एंड 7 एंड माइनस 5, ये सारे हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल को जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, एक्स प्लस ए, ठीक। एनसीईआरटी जहां भी जो भी सॉल्यूशन है आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, इसका मतलब हमें इससे डिवाइड करके कुछ ऐसा लाना है कि इसकी जो रिमाइंडर आए ना वो एक्स प्लस ए के फॉर्म में आए, मतलब एक्स हो सिर्फ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आए। चलो हम इसको डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाते हैं, तो सबसे पहले हमें इससे इसको डिवाइड करना है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, ये डिवीजन थोड़ी लंबी भी हो सकती है इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, आप अच्छे से देखना हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहां एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10, एक्स फोर सिक्स एक्स क्यूब 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10। इसमें कहता है इस पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ ऐसा आता है, हम डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर से देंगे तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बिकेम एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया, ये क्या है माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस माइनस। अब इन दोनों में से देखें तो ये हमारे पास क्या है 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगी 16 माइनस के आएगी, तो डायरेक्ट हम यहां लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर 16 माइनस के, कोई डाउट है यहां तक, ये साइड में करते हैं आपको समझाते भी चलेंगे, जो बच गया उसे लिख देते हैं माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब इसे किससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 और एक्स, ठीक। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x क्यूब
माइनस माइनस प्लस, फोर टूजा एट एक्स स्क्वायर, फोर टूजा एट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फोर एक्स के। ठीक, अब फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल। अब देखिए तो ये वाले टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर सिक्सटीन माइनस के और माइनस एट एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से ये पूरा एक टर्म ये पूरा एक टर्म, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिक्सटीन माइनस के माइनस एट, सिक्सटीन माइनस एट इज एट, तो एक्स स्क्वायर एट माइनस के, कोई डाउट है क्या। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एट माइनस के। उसी तरह इन दोनों में ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फोर एक्स के, इस दोनों में से अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगी, माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर के बचेगी। तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस सॉरी प्लस एक्स कॉमन लिया या फिर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगी ये प्लस हो जाएगी, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 25 माइनस 4 के हो सकते हैं, या प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस 25 प्लस 4 के हो सकते हैं। तो हमने माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या हो 25 माइनस 4 के प्लस 10 एज इट इज। बताइए ये बात समझ में आ रही है सारी, अब इसे इरेज कर लेते हैं, इस पार्ट को लिख लिया होगा आपने। अब इसे किससे डिवाइड करें कि हमें ये कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर तो है यानी प्लस एट माइनस के तक। अब सर कहां तक डिवाइड करना है, तो तब तक डिवाइड करना हमें जब तक रिमाइंडर हमारा लीनियर इक्वेशन में ना आ जाए, तो हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर एट माइनस के, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस टू एक्स एट माइनस के, और इससे इसको करेंगे तो प्लस के एट माइनस के, यानी ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये पूरी कट गई। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, ये पार्ट बचा इस पार्ट को, यानी हम रिमाइंडर जो नीचे बचा ये तो पूरी कट गई, अब उसे हम साइड में लिख के आपको समझाते हैं। यानी हमारे पास बचा 25x x इंटू माइनस एक्स इंटू 25 माइनस 4 के प्लस 10, ये ऊपर वाला है, ये साइन चेंज हो गया तो प्लस 2x 8 माइनस के, और ये साइन चेंज हो गया तो माइनस के एट माइनस के, कोई डाउट है। एक्स वाले टर्म कौन कौन से है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से, या फिर हम ब्रैकेट को पहले खोल लेते आपको और आसान कर देते, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ब्रैकेट खोल लेते तो माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस फोर एक्स के प्लस 10, इसको इधर करेंगे तो प्लस 16 एक्स माइनस 2x के माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको के अंदर किया, इसको एज इट इज लिख दिया, इसको अंदर किया, इसको के अंदर किया, इसको अंदर किया, इसको अंदर किया, तो ऐसे कुछ ये आ गए। अब माइनस 25x प्लस 16x कितने होंगे बताइए, माइनस 9x। ठीक, माइनस 25 प्लस 16 कितने होंगे, माइनस 9x प्लस 4x के माइनस 2x के कितने होंगे, प्लस 2x के, यहां तक कोई डाउट। अब ये तीनों टर्म आपस में कुछ नहीं हो सकते हैं तो हम एज इट इज लिख देते हैं प्लस 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगी, माइनस 9 प्लस 2 के, और प्लस इसे पूरा एज इट इज रहने देते हैं 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट। अब देखिए ये भी x इंटू समथिंग प्लस a आ गए, मतलब इसका मतलब क्या है, ये पूरा a के बराबर है 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, और x के साथ जो जुड़ा है, ठीक यहां पे x के साथ क्या जुड़ा है, माइनस 9 प्लस 2 के, और यहां पे x की क्या कोफिशिएंट है 1, यानी इसकी पूरी वैल्यू 1 होगी तभी तो रिमाइंडर x प्लस समथिंग a आएगा, तो a की वैल्यू निकाल पाएंगे। लॉजिक समझे, यानी फिर से समझो, रिमाइंडर हमारे पास ये है, जब इसे हमने सॉल्व सॉल्व करके दिखाया तो रिमाइंडर ये आ गया। अब इसे हमने अच्छे से तरीके से ऐसा सजाया कि हम x प्लस समथिंग कुछ लिख सके, तो x प्लस समथिंग कुछ लिख सके। अब यहां पे x की कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां भी x की कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए 1, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के बराबर। ठीक, तो इसका मतलब यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, तो
2k इज 1 प्लस 9, 9 को उधर ले जाएंगे यानी 2k इज 10, तो k इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5, यानी k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। अब 5 डाल के देखो, 5 2 जा 10, माइनस 9 प्लस 10 इज 1, ठीक आ गए। अब एक यहां पे और एक की जगह यहां क्या है, ये है, यानी इसकी वैल्यू जो भी होगी वो a के बराबर होगी, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस, अभी अगर हमने k की वैल्यू क्या निकाली है 5, तो 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर यानी 10 माइनस 40 प्लस 25, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 40 इज माइनस 30 प्लस 25 दैट इज माइनस 5, यानी a की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस 5, k की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास इस तरह से पॉलीनोमियल 2.4 कंप्लीट हुए। इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसलिए हमने एक एक पार्ट को अच्छे से समझाकर किया, आप इसे नोट डाउन कर लो और आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की है उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।